हेलो बच्चों, पहल इंस्टीट्यूट फॉर नीट में आपका स्वागत है। आज पहल तंत्राज और मंत्राज में मैं आपको केमिस्ट्रीज के तंत्राज और मंत्राज सिखाऊंगा। अगर किसी भी सब्सटेंस का बच्चों मास गिवन है, किसी भी सब्सटेंस का अगर मास गिवन है तो हम उसका मोल निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ़ एंटिटीज, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। और अगर वो गैसेस स्टेट में है, फॉर्म में है, तो हम उसका एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है वो भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर मास पता है तो उसको डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस है कि अगर वो एटम है, मॉलिक्यूल्स या आयंस है, इनमें से कुछ भी है, तो मास पता है। अगर वो एटम है तो उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करिए, मोल निकलता है, और उसमें एनएस से मल्टीप्लाई करिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकलते हैं। सिमिलरली अगर गैसेस फॉर्म में है तो उसमें 22.4 से 22.4 से मल्टीप्लाई करिए तो एसटीपी पे वॉल्यूम लीटर में आता है। एक एग्जांपल है इसका बच्चों, मीथेन गैस मैंने लिया है जिसके 16 ग्राम अगर मास क्वेश्चन में गिवन है तो उसका मोल कितना निकलेगा, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आएगा 16। एक मोल लाया, मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, अगर आपने एन ए से मल्टीप्लाई किया 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स होंगे। एन ए क्या है? एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.022 × 10³। सिमिलरली अगर एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर 1 बार होता है, केल्विन में 273.15 केल्विन होता है। अगर एसटीपी पे इस गैस के एक मोल का वॉल्यूम आपको निकालना हो तो 22.4 से मल्टीप्लाई करिए, एसटीपी पे वॉल्यूम निकल के आएगा। एक वन, सिंस मोल वन है, 1 × 22.4 मल्टीप्लाई किया गया तो कितना निकल के आया, 22.4 लीटर। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।